हेलो एवरीवान हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम टू मैग्नेट बेस मैं हूं नपुर भाईरे और हम साथ में कर रहे हैं क्लास सेकेंड मैथ्स एन सी आर टी मैथ्स मैजिक बुक और जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर सेवन दैट इज़ जग्स एंड मार्क्स सो जग्स एंड मार्क्स के काफ़ी टॉपिक्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने अलग अलग कंटेनर्स की कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर छोटा सा कोई कंटेनर होगा तो उसकी कैपेसिटी कम होगी और अगर ज़्यादा बड़ा कोई कंटेनर होगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट

थिंग्स मतलब जैसे कि पेट्रोल हुआ डीजल मिल्क वाटर इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में सो so, आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका पेज नंबर फिफ्टी टू पर रानी एंड द मिल्कमैन बट इससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क प्रीवियस क्लास में दिया था वो क्या था वो ये दिया था मैंने कि आपको यहाँ पर फाइव डिफरेंट कंटेनर्स बनाने हैं मतलब वेसल्स जो भी आपके चॉइस के आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो वो आपको मैंने दिया था ये मैंने दिया था जो मैंने करवाया नहीं था मैंने आपसे कहा था कि आप इसको कंप्लीट करके आइएगा तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स ये पिक्चर्स आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है विद द नेम वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या था फर्स्ट क्वेश्चन दैट गेस विच वेसल विल होल्ड द मोस्ट वाटर मोस्ट मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा पानी तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा आपको लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर फिल हो सकता है तो सबसे बड़ा कंटेनर क्या है बकेट है और घाघरा है ठीक है बाकी ये भी स्मॉल है दिखने में ये भी इमेज बड़ी लग रही है कुकर ये भी कंपैरेटिवली बकेट स्मॉल है ग्लास काफ़ी स्मॉल होता है और ये सुराही दिखने में साइज बड़ा है बट ये जो ऊपर इसका सुराही जैसा ये जो पोर्शन है ये इसको बाकी कंटेनर के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बना देता है मतलब है तो वो बड़ा बट बड़, उसमें जो कैपेसिटी है पानी भरने की होल्डिंग पावर वो कम है ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं हम बकेट और घाघरा दोनों लिख सकते हैं तो मोस्ट में आप ये दोनों लिख दीजिएगा दोनों क्यों लिखना है क्योंकि हमको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था दैट विच टू वेसल्स विल होल्ड सेम amount of water तो जो दो equal होंगे वही हम यहाँ लिखेंगे वैसे आप अभी इसमें से कोई एक भी लिख सकते हो तो कौन सा आपको लग रहा है बकेट और घाघरा तो ऑब्वियसली घाघरा बकेट ऑलमोस्ट इक्वल है आप लिख सकते हैं बकेट हम यहाँ लिखेंगे बकेट होल्ड्स द अब ये भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द साइज ठीक है आपके इसमें तो सो so बकेट हमने यहाँ लिख दिया है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट सबसे कम लीस्ट वाटर सबसे कम तो बताइए सबसे कम किस में ये तो सब काफ़ी बड़े बड़े हैं कंपेयर किस में करेंगे आप दो छोटे कंटेनर्स में तो दो छोटे वेसल्स क्या हैं एक है ग्लास और एक है कप तो आपने देखा होगा टी कप्स हमेशा जनरली स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लासेज ग्लासेस की क्वान्टिटी से जस्ट हाफ इसमें फिल होता है तो सबसे छोटा क्या होगा सबसे कम जिसमें होगा वो होगा आपका कप अगर आपने यहाँ घाघरा भी लिखा है ना स्टूडेंट्स तो भी गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा पानी भरा जाता है ओके नाउ विच टू वेसल्स विल होल्ड सेम अमाउंट ऑफ वाटर तो ऐसे कौन से टू वेसल्स आपको दिख रहे हैं और बकेट और घाघरा जिसमें काफ़ी ज़्यादा और ऑलमोस्ट सेम क्योंकि ये और कुकर का साइज भी डिफरेंट है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बकेट हम लिखेंगे यहाँ पे बकेट एंड घरा बकेट एंड घरा ठीक है नेक्स्ट कंप्लीट द वर्ड ये जो वर्ड दिया है आपके सामने इसको बताइए ये कौन सा वर्ड है इन इमेजेस में तो एस से स्टार्ट होने वाला कौन सा आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही दिख रहा है सुराही तो आपको स्पेलिंग क्या लिखना था एस यू हमको इसको कंप्लीट करना था एस यू आर आगे क्या दिया है आर के बाद देखिए एच तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एच सो so, क्या हो जाएगा ए आर के बाद क्या ए दिया है फिर एच तो आर ए एच है क्या हो गया पूरा सुराही ठीक है इसको हम क्या कहते हैं सुराही नाउ विच वेसल डू यू यूज टू ड्रिंक वाटर कौन सा ऐसा वेसल है इसमें जिसको आप पानी पीने के लिए यूज करते हो पहले तो हम देखते हैं ये वाटर फिल करके फिर यूज करने के लिए डायरेक्टली सुराही से आप वाटर ड्रिंक करते हो क्या नहीं क्या डायरेक्ट घरे से आप यूज़ करते हो नहीं क्या बकेट को आप पानी पीने के लिए यूज़ करते हो नहीं वो तो आप जनरली बाथरूम्स में रखते हैं ठीक है फॉर बाथिंग पर्पज़ ये कप कप में बताइए क्या कप में आप वाटर पीते हैं क्या ऐसा इसको पानी हमको सिर्फ क्या पूछा गया है पानी पीने के लिए ठीक है तो ड्रिंक वाटर तो ये तो टी कप है कप में हम जनरली टी पीते हैं टी और कॉफ़ी ये क्या है हमारा ग्लास ग्लास आप कब यूज़ करते हो ग्लास आप यूज करते हो टू ड्रिंक वाटर और कुकर किस लिए यूज़ होता है कुकर होता है जनरली हमारे टू कुक दाल और द राइस ओके सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे तो विच वैसल डू यू यूज टू ड्रिंक वाटर तो कौन सा वैसल हम यूज करते हैं हम यूज़ करते हैं ग्लास ओके तो आई होप आपने होमवर्क कम्प्लीट किया था और आपके आंसर्स यही होंगे तो मैं इसको आप यहाँ पर कर रही हूँ स्टूडेंट्स क्लीन आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया था और अगर किया है तो इसको चेक कर लीजिएगा ओके okay? सो so, यहाँ पर हमारा होमवर्क पार्ट होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ तो आज का टॉपिक था हमारा रानी एंड द मिल्क सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो क्या है अनिल इज अ मिल्क मैन हु इज ही ही इज अनिल एंड ही इज व्हाट ही इज अ मिल्क मैन वो मिल्क सेलर है मिल्क देने आते हैं किसके घर पे रानी के घर पे ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे वो रानी के घर में सेम अमाउंट का मिल्क देने आते हैं मतलब सेम अमाउंट क्या होगा जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो भी आप देते हैं ना लिक्विड लिक्विड जनरली किस चीज़ में मेजर होता है स्टूडेंट्स लीटर में ठीक है तो हो सकता है रानी के घर पे टू लीटर मिल्क आता हो या वन लीटर मिल्क आता हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल वन लीटर मिल्क आ रहा है तो लीटर के लिए हम जनरली एल यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट या फिर आप उसको पूरा लीटर लिख सकते हो ठीक है और लीटर हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं लिक्विड मैटर्स के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स लीटर जैसे कि वाटर juice, milk, oil, petrol, डीजल ओके okay, ये सब क्या है ये सब लिक्विड आइटम्स हैं सो लिक्विड जितनी भी आपको लिक्विड चीज़ें दिखेंगी उन सबके साथ मेजरमेंट में क्या आएगा लीटर्स आएगा आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं आपके घर में काफ़ी लिक्विड आइटम्स आते होंगे शैम्पू आता होगा ठीक है ऑयल और जितना भी आपको लिक्विड लग रहा है आप उनके पैकेट के पीछे देखिएगा जहाँ पर उनका मेजरमेंट दिया होता है देखिएगा कि वहाँ पर लीटर दिया है या किलोग्राम दिया है वहाँ लीटर दिया होगा यही चीज़ आपको सॉलिड चीज़ों में देखिएगा जैसे कि राइस पल्सेस ठीक है और क्या क्या आता है मैं बिस्किट्स आते हैं चिप्स आते हैं जो भी आप लेकर आते हो आपकी फेवरेट आइटम्स उनको टर्न करके देखिएगा कि उनके पीछे जो मेजरमेंट जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया है ठीक है क्या वहां पे लीटर दिया है या किलोग्राम दिया है ये आप चेक कीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जहां भी लीटर दिख जाएगा ना आपको वो सारी चीजें लिक्विड में होंगी ठीक है चलिए तो आगे देखते हैं जो आ, अनिल है वो रानी को सेम अमाउंट मतलब अगर वन लीटर होगा तो वह हर रोज़ वन लीटर ही मिल्क उसको उनको दे के जाते हैं ऐसे आपके घर में भी होता होगा आपके घर में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिल्क रेगुलर आता होगा रोज़ आता होगा वही सेम अमाउंट कोई ओकेजन है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्वीट डिश बनानी है खीर बनानी है तब हो सकता है आप टू और थ्री लीटर्स एक्स्ट्रा उस दिन पर पर्टिकुलर डे पर मिल्क एक्स्ट्रा मंगवाएं बट जो रेगुलर डे होता है ना वहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ मिल्क आता है ठीक है so, सो ही यूजेज़ अ मग क्या करते हैं वो एक मग यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए थ्री टाइम्स टू फिल रानी इस पॉट फॉर एग्जाम्पल ये रानी जो पॉट लेकर आती है इसमें वो अंक जो है मिल्कमैन वो क्या करते हैं थ्री मग्स टोटल थ्री मग्स यूज़ करते हैं टू फिल दैट पॉट और उससे वो जो पॉट है पूरा फिल हो जाता है ठीक है वन डे रानी इज़ मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क एक दिन क्या हुआ रानी ऐसे ही फिर से मिल्क लेने गई जब मिल्क मिल्क सेलर आए तो उस उसकी मदर ने उसको जो रोज़ वो पॉट यूज़ करती है उसके प्लेस पर दूसरा पॉट दे दिया ये नहीं था उस दिन उसके प्लेस पर उनको दूस उसको दूसरा पॉट दे दिया मम्मा ने उसकी मदर ने ठीक है एवरी डे रानी पॉट वुड फिल टू द टॉप जैसे मैंने आपको बताया थ्री मग्स में वो जो पॉट था वो पूरा फिल हो जाता था पूरा ऊपर तक बट टू डे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल कम्प्लीटली बट आज जब थ्री मग्स वॉट मिल्क दिया तो जो पॉट था वो सिर्फ इतना ही भरा पूरा भराया ही नहीं डू यू थिंक अनिल रानी लेस मिल्क क्या बोला रानी ने ओह टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क रानी बहुत दुखी हुई रानी ने बोला अरे आज तो आ, मिल्क अंकल ने बहुत कम मिल्क दिया है पूरा दिया ही नहीं बट आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा नहीं क्योंकि हमने पहले जो पॉट बनाया था स्टूडेंट्स वो पॉट साइज में था छोटा तो थ्री मग्स में ही थ्री मग्स में वो पूरा फुल हो जाता था बट आज जो उसकी मम्मा ने उसको पॉट दिया वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन वो बड़ा था और बड़ा होने के कारण थ्री मग्स में वो हाफ ही फुल हुआ भरा ही नहीं वो पूरा बट क्या मिल्कमैन ने उसको कम मिल्क दिया था तो नो अनिल ने उसे कम मिल्क नहीं दिया था अनिल ने उनको उतना ही मिल्क दिया था जितना पहले बट क्योंकि कंटेनर के वेसल के साइज में डिफरेंस था इस वजह से जो पहले वेसल था वो पूरा भर जाया करता था और जो अभी का वेसल था वो कम भरता था क्यों रीज़न हमने भी डिस्कस किया बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ़ द कंटेनर नाउ हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरीडे बताइए आपके घर में आपके मदर कितना मिल्क लेते हैं हर दिन हो सकता है वो डेयरी से आता हो हो सकता है आपके यहाँ भी कोई इन इन्हीं की तरह कोई देने आते हो तो आप अपने मम्मा से पूछेगा कि हमारे घर में कितना मिल्क आता है डेली तो ऑन एन एवरेज हो सकता है आपके घर में वन और वन एंड हाफ वन या वन एंड हाफ लीटर्स मिल्क आता हो तो आप वो पूछना तो वह आंसर वेरी करेगा स्टूडेंट्स ठीक है आपके घर में जितना आता है आपको वो लिखना है नाउ ट्राई यूर सेल्फ टेक फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन फिल ऑल ऑफ देम वन बाय वन विथ वन जग फुल ऑफ वाटर अब आपको क्या करना है ये भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको बड़े बड़े साइज के अलग अलग कंटेनर्स लेने अपने किचन से उठा के ले आओ ठीक है उसके बाद आपको फिल ऑल ऑफ देम विथ वन बाय वन हर एक कंटेनर को वन बाय वन एक बड़े से जग जो बिल्कुल फुल हो उससे भरते जाओ डू यू सी एंड वाई आप क्या देखेंगे और और क्यों तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स अबाउट इट अपने के साथ जब आप खेलते हो ना तो कभी कभी ऐसे गेम भी खेल लिया कर रहे हो जिससे क्या होता है आपको नॉलेज भी मिलेगा और मजा भी आएगा तो यहां पर आप क्या देखेंगे आप जब उसको भरोगे और वो अलग अलग साइज के कंटेनर होंगे ना तो कोई सा ऐसा कंटेनर होगा जो कम जग सेम अमाउंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हर कंटेनर में थ्री जग्स ऑफ वाटर फिल किया तो कोई ऐसा कंटेनर होगा जिससे वो थ्री से पूरा भर गया होगा कोई ऐसा होगा जो कम भराया होगा कोई ऐसा होगा जिससे पानी बाहर आ जाएगा क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? क्यों उसका साइज डिफरेंस डिफरेंट डिफर करता है ठीक है तो यहाँ पे वो आंसर्स आपके मैंने लिखे हुए हैं डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क अभी जो हमने डिस्कस किया तो आपका आंसर है नो अनिल हैज नॉट गिवन रानी लेस मिल्क ये आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा आगे क्या दिया है हाउ मच मिल्क डज यूअर मदर बाय एवरी डे तो हो सकता है वन एंड हाफ लीटर मिल्क हो सकता है टू लीटर थ्री लीटर या हो सकता है सिर्फ वन लीटर तो आपको यहां पर वही आंसर लिखना है जो आपके घर में जितना मिल्क आता है तो ये चेंज भी हो सकता है यहां पे मैंने बस लिख दिया अगर वन एंड हाफ आता है तो वन एंड हाफ लिखेंगे अगर टू आता है तो टू लीटर्स लिखेंगे ठीक है ये आप जरूर लिखना लीटर्स ओके नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपके लिए जो हमारे बुक में दिए हैं वो सारे मैंने लिखे हैं टेक फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स अभी मैंने बताया कि आप अलग अलग वेसल्स लीजिए किचन से और वन बाय वन उन्हें सेम जग से भर रही भरिए तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा वी कैन आप उसका आंसर लिखेंगे वी कैन सी दैट सम वेसल्स आर फिल्ड फुल एंड सम आर नॉट तो आपको ये पता पड़ेगा कि कुछ ऐसे वेसल्स हैं जो फुल हो गए हैं और कुछ ऐसे वेसल्स हैं जो फुल नहीं हुए हैं बिल्कुल उसी तरह के केस में जैसे अभी रानी के साथ हुआ ठीक है क्योंकि वेसल के साइज अलग थे और सेम जग से भरने की वजह से कुछ जो थे वो काफ़ी अच्छे से पूरे भरा गए और कुछ वेसल्स थे जो खाली रह गए ठीक है तो ये उसका आंसर है आप स्टूडेंट्स इस इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है तो आप इसको अपने बुक में नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन आपके पेज पर पे ऑलरेडी गिवन है ये वही मैंने लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पर गिवन थे ठीक है तो इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट क्लास होती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट आगे टॉपिक देख लेते हैं एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है आपके पास थर्स्टी क्रो ये आपने स्टोरी सुनी होगी बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है क्रो की थर्स्टी क्रो एक चिरपी क्रो है काफी हैप पी क्रो है यहाँ पर अब उसको लग गई है प्यास ठीक है वो थर, बहुत थर्स्ट उस थर्स्टी फील कर रहा है तो अब क्या है पढ़ते हैं हम थर् चिरपी चिर, क्रो वॉज वेरी थर्स्टी इट लुकड एवरी डे एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर उसने हर तरफ देखा बट उसको कहीं भी पानी नहीं मिला सडनली इट्स सॉ अ पिक्चर अब उसको क्या दिखा एक पिक्चर दिखा एक मटका दिखा वेन इट ट्राई टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वॉज वेरी लिटल वाटर इन द पिक्चर अब उसने ये चीज़ देखी कि वो जो देखो कितना कम पानी है और आ, क्रो कहाँ है वो तो बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है अब उसको चाहिए पानी पीना है मगर अब पानी तो बहुत नीचे है अब अगर अंदर तो वो जा नहीं सकता तो अब क्या करें क्या करें क्या करें तो क्रो था ना वो था बड़ा ही दिमाग वाला एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी आपने शायद सुनी भी होगी है क्रो जो था ना बहुत ही बहुत ही इंटेलिजेंट था तो उसने क्या किया उसको दिखे आस पास ही कुछ स्टोन्स क्या दिखे स्टोन्स दिखे तो उसने बोला आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक आइडिया है आई सो इट सो पेबल्स लाइंग नियर पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर पेबल्स उसको नजर आए इट पुट द पेबल्स इन टू द पिटर वन बाय वन वो धीरे धीरे एक एक पेबल्स उस कंटेनर में डालता गया ठीक है उस घरे में द वॉटर केम अप जो वाटर था वो ऊपर आने लगा देखो ये क्या वाटर लेवल बढ़ा है मतलब वॉटर की क्वान्टिटी बढ़ी है क्या यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको स्टूडेंट समझने हैं पहले हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं द वॉटर केम अपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू क्रो ने क्या किया क्रो ने पानी पिया और चला गया तो स्टूडेंट्स क्या स्टोन डालने से पानी बढ़ गया था क्या उसमें पानी बढ़ा या पानी का लेवल बढ़ा ये दो चीज़ें आपको समझनी है क्योंकि वाटर तो उतना ही था वाटर नहीं बढ़ा क्या क्रोह ने उसमें वाटर ऐड किया वाटर ऐड नहीं किया उसने क्या उसमें इंक्लूड किया उसने क्या पुट किया उसमें पेबल्स पुट किए अब ये वाली चीज़ हम खुद भी करके देखेंगे देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास आपके सामने एक ग्लास है जिसमें कुछ वाटर फिल्ड है ठीक है आपको दिख रहा है हाफ वाटर फिल्ड है अब मुझे इसको लेवल तक लाना है मुझे इसका वाटर लेवल बढ़ाना है मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर सकती ठीक है इसमें हम वाटर ऐड नहीं कर सकते तो इसका वाटर ऊपर लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम इसका क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं करेंगे ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें स्टोन्स डालेंगे वही चीज़ आपको भी करनी है यही एक्सपेरिमेंट आपको आगे भी दिया है हम इसको देखेंगे मेरे पास कुछ पेबल्स हैं छोटे छोटे ठीक है ये जनरली इजी अवेलेबल होते हैं आपके घर में आसपास भी आपको दिख जाएंगे तो आप उसको उठा के कर सकते हो एक्सपेरिमेंट क्या है ये पूरी चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पर क्या दिया है डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिड़पी बिल्कुल हम भी ट्राई करेंगे अभी तो क्या है डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वॉटर इन द पिक्चर कम अप हमको देखना है कि कैसे तो देखिए टेक टू ग्लासेस आपको दो ग्लास लेना है मैंने अभी वाटर फिल्ड एक ही लिया है ऑफ़ सेम साइज देखो बिल्कुल बराबर साइज के ग्लासेस हैं फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विद वाटर देखिए मैंने भी बिल्कुल आधा ग्लास यहाँ पे भरा हुआ है एज यू कैन सी ओके हाफ ग्लास ऑफ वाटर यू हैव टू पुट तमरिन इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर लेवल टू द टॉप सबसे पहले आपको तमरिन सीड्स डालना है अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो इमली सीड्स वो आप डालिए तब तक डालिए जब तक पानी का लेवल ऊपर तक नहीं आ जाता गेस हाउ मेनी सीड्स यू नीड टू पुट इट अब आपको ये बताना है कि कितने आपने इसमें डालने हैं ताकि उसका पानी ऊपर भरे अब मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं ये ट्वेल्व थर्टीन अराउंड हैं उससे ज़्यादा ही होंगे फिफ्टीन अराउंड हम वन बाय वन इसमें डालकर देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट में देखिए वही दिया हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सीड्स आपको फिर यहाँ पे काउंट करके लिखना है कितने नंबर ऑफ सीड्स नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड क्लास ये मार्बल्स हैं छोटे छोटे पेबल्स मार्बल साइज में अब आपको इसको वन बाय वन इसमें पुट करना है वॉट हैपन क्या होगा चलो पहले देखते हैं ठीक है ये रहा वन ग्लास ये एक वाटर है ठीक है एक ग्लास से मेरे पास स्टोन्स हैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू पुट इट सो वन टू थ्री एज यू कैन सी द लेवल ऑफ द वॉटर इज इंक्रीजिंग फोर फाइव सिक्स बस यही थ्रो ने भी किया था सेवन एट नाइन टेन स्टूडेंट्स कहाँ था पहले वाटर यहाँ देखो इतना इंक्रीज़ हो गया क्यों इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम इसमें क्या डाल रहे हैं हम इसमें पेबल्स डाल रहे हैं एक एक पेबल के साथ जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है ठीक है कितने डाल दिए मैं आपसे बात करते करते भूल ही गई मैंने कितने सारे स्टोन्स डाले थे आई थिंक ए सेवन एट डाल दिए थे नाइन टेन इलेवन इसमें फ़ोर हैं ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो अब कि जो वाटर लेवल पहले था वो यहाँ था मैंने हाफ भरा था ठीक है अब देखो वाटर लेवल कहाँ पहुँच गया क्या मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला मैंने इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया आपके सामने मैंने ग्लास होल्ड किया हुआ था इतना ही पानी था उसमें बिकॉज मैंने स्टोन इसमें डाले तो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया क्यों हुआ क्योंकि स्टोन अपनी खुद की एक जगह है वो मतलब जहाँ भी वो रखेगा फॉर एक्ज़ाम्पल मैंने अपने हाथ में इसको रखा हुआ है तो ये खुद अपनी एक स्पेस कंटेन करता है मतलब इसकी खुद की एक स्पेस है जहां भी आप रखोगे ये इसकी खुद की एक स्पेस होगी जो वो फिल करेगा तो पानी को हटाकर वो अपनी स्पेस बना रहा है तो जैसे ही ये स्टोन्स अपनी स्पेस बना रहे हैं तो पानी उस जगह से हटकर कर कहाँ ऊपर के तरफ बढ़ रहा है ये है रीजन इसका हम इसमें अभी और पेबल्स डालते ना तो ये पूरा ऊपर तक फुल हो जाता और बस यही क्रो ने भी किया तो यहाँ पर हमने अराउंड फोर्टीन टू फिफ्टीन पेबल्स यूज किए हैं सिर्फ यहाँ तक फिल करने के लिए आप भी स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपके पास भी ऐसे पेबल्स होंगे आसपास मिल जाते हैं इजीली आप ऐसे दो सेम टाइप के ग्लासेस लीजिए उनको हाफ भरिए और काउंट करके देखिए कितने इम, टेमरेंट सीड्स आपने यूज़ किए कितने स्टोन्स आपने यूज़ किए तो क्योंकि पेबल्स का साइज़ बड़ा होता है तो कम उसमें भी वाटर लेवल जल्दी इंक्रीज हो रहा है तमरेन सीड्स का जो तो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू पेबल छोटा होता है तो आपको ज़्यादा तमरेन सीड्स लगेंगे अगर आप, आपको सफर so फॉर uh, ये हमने देखा सेकेंड क्लास में तो अभी हमने अराउंड ट्वेंटी लेते तो पूरा फिल हो जाता आपको जो सीड्स लगेंगे ना वो अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव लगेंगे ठीक है क्यों क्योंकि पेबल्स का साइज़ बड़ा होता है तो वो कम में भी वाटर लेवल जल्दी से इंक्रीज करेगा क्योंकि वो साइज़ स्पेस ज़्यादा घेरेगा बट जो सीड्स uh, है ना वो छोटे होते हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे टू रेज द वाटर लेवल अप

कहाँ आ गया ऊपर की तरफ आ गया ठीक है चलिए सो so, ये अपने और अपने फ्रेंड से आप और डिस्कस करके देखिएगा तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा वो टॉपिक भी होता है कंप्लीट अब है बचा है वाटर इज यूजफुल अब वाटर स्टूडेंट्स हमारा बहुत यूजफुल होता है आई नो हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वाटर से रिलेटेड बट ये ध्यान रखिए कि वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है अगर आप वाटर से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको वापस बकेट में भर लीजिए और आप एक्स्ट्रा जो यूज होता है जहां पर फॉर एग्जाम्पल आप गार्डनिंग कर रहे हो या आपको कहीं वॉशरूम में बाथरूम में अगर उसको किसी क्लीनिंग परपज से यूज करना है तो वन मग आप उसको यूज कर सकते हो क्योंकि वो वाटर आपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है तो वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए तो बचा नहीं होगा अगर क्लीन है तो आप आ, क्लोथ्स यूज करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं बट उसको फेंकना नहीं है ठीक है तो आप ये ध्यान रखिए जब भी आप कोई वाटर एक्टिविटी कर रहे हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर जब आप अलग अलग वेसल्स को फिल करके देख रहे हैं तो वो पानी को आपको कम से कम वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करना है ठीक है चलिए बिकॉज वाटर इज़ वेरी यूजफुल हाउ इट इज़ यूजफुल इट इज़ क्लियरली रिटर्न हेयर फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको ये देखना है कि अलग अलग कंटेनर आपके सामने हैं तो कितना कितना वाटर आपको यूज होता होगा जैसे कि फॉर द बाथिंग परपज कितना हमको लगता है फॉर द बाथिंग परपज जनरली वन बकेट ऑफ वाटर इज सफिशेंट वन बकेट एक बाल्टी पानी हमें लगता है फॉर द बाथिंग ओके फॉर ये क्या है स्टूडेंट्स फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स क्लोथ्स वॉश करने के लिए देखिए इससे बड़े साइज का बकेट है तो अराउंड टू बकेट्स ठीक है टू बकेट्स ऑफ वाटर इज नीडेड टू वॉश आर क्लोथ क्लोथ्स को धोने के लिए अराउंड टू बकेट ऑफ वॉटर और फॉर बाथिंग वन बकेट ऑफ वॉटर ओके ना फॉर क्लीनिंग दूटेंसिल्स और वेसल्स जो आपके किचन में होते हैं उसके लिए भी अराउंड वन और टू बकेट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ द यूटेंसिल्स और द कंटेनर्स यू आर वॉशिंग कितना आप क्लीन करो कितने कितने बर्तन आप साफ़ करो वो डिपेंड करता है तो टू बकेट और सम मग्स और ये क्या है फॉर ड्रिंकिंग हाँ तो आपको डेली कितना अराउंड एट टू नाइन ग्लासेस और मग्स ऑन एन एवरेज आपको सिक्स टू एट कर लेते हैं हम इसको वैसे नॉर्मली सिक्स टू एट या सेवन टू एट सेवन टू एट बट हमको मग्स में बताना है तो यहाँ पे ग्लास है बट हम ग्लास ही लिखेंगे सेवन टू एट ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पूरे दिन में पीना चाहिए बट अभी ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो सेवन टू एट ग्लासेस आप पूरे दिन में पी सकते हैं नाउ गेस एंड देन फाइंड आउट अब आपको यहाँ पर गेस करना है और बताना है अकॉर्डिंग कित क्या होता है इसमें हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल इन वन बकेट अब आपको ये बताना हमने पहले तो ये बता दिया कि भाई हमको कितनी कितनी चीज़ों के अकॉर्डिंग बकेट लग कितना बकेट ऑफ वाटर हमको लगता है अब हमें यहां बताना है हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल इन वन बकेट एक बकेट में कितना वाटर फिल हो सकता होगा तो ऑन एन एवरेज ट्वेंटी मैं आप ट्राई करके देखिएगा कर, कितने मग्स मग्स तो ऑन अराउंड एक मीडियम मीडियम जो large, uh, मतलब not medium, जो लार्ज लार्ज मतलब नॉट साइज बकेट होता है उसमें ट्वेंटी मीडियम साइज होगा तो अराउंड टेन टू फिफ्टीन मग्स हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ अभी देखो हमने यहां पे लिखा है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर वन बकेट वन बकेट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर बाथ हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ नाहन हाउ मनी मग्स ऑफ वाटर अच्छा देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया था हाउ मेनी बकेट ऑफ वाटर अब यहाँ पर हाउ मनी मग्स तो जितना यहाँ पर है वही आप यहाँ पर लिखेंगे अराउंड फिफ्टीन मग्स यही चीज़ अगर आप मग्ज में बताओगे तो मग्ज़ में अराउंड फिफ्टीन ये सब आपको जब नहा रहे हो ना जिस दिन एक दिन काउंट करना कितने मग्ज ऑफ वाटर आपको यूज़ हुआ है ठीक है चलिए ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल है हाउ मच वाटर विल अ बलून तो बलून में कितना आएगा वन मग ठीक है अभी पिचकारी में कितना आएगा टू मग ठीक है टू मार्क्स हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अप गन पिचकारी जो आती है ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है आई कैन ड्रिंक नाइन बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस ये नाइन बकेट ऑफ वाटर एक बार में पी सकते हैं हाउ मेनी बकेट्स कैन टू कैमल्स ड्रिंक एट वंस जब एक कैमल नाइन बकेट वाटर पी रहा है तो टू कैमल्स कितना नाइन प्लस नाइन सो नाइन प्लस नाइन एज एटीन मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एटीन बकेट्स ऑफ वाटर ठीक है तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया हो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे गिवन थी आई होप आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखेंगे खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा और इसको अपने न, उसमें नोट डाउन कीजिएगा इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी क्लास आज की हो रही है यहीं खत्म मिलेंगे अब हम नए क्लास में नए चैप्टर के साथ यहाँ पर हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए अबाउट द कंटेनर्स अबाउट द कैपेसिटी एंड लीटर्स सो मिलेंगे नए क्लास में अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेट को आप कैसे सर्च करेंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है गूगल सर्च जहाँ पर आपको टाइप करना है मैगनेट और आपके सामने हमारा ये पेज होगा ओपन जहाँ पर नीचे ही आपको मिलेंगी क्लासेस फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ टर्म वन एग्जाम एनसीआर एग्जाम्पल सिक्स टू ट्वेल्थ एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको जो भी क्लास पढ़नी है उसको सिलेक्ट करिए सिलेक्ट करते उस क्लास से रिलेटेड प्लेलिस्ट होगी आपके सामने सिर्फ वॉच नाव क्लिक करना है वॉच नाव क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे लेक्चर्स चैप्टर वाइज आपको सिर्फ लेक्चर सिलेक्ट करना है लेक्चर सिलेक्ट करते ही आपके सामने होगा आपका लेक्चर वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि आप है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन पर और हम आपको प्रोवाइड करते हैं हंड्रेड परसेंट फ्री क्लास फ्रॉम किन्ंडर गार्डन टू ट्वेल्थ सो स्टेक Connected students, and don't forget to like, subscribe, and share to our channel. Till then, stay happy, stay healthy. See you in the next class with the new topic. Till then, bye bye.